फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है बिशु जॉब सेंटर। जैसे कि आप फ्रेंड देख रहे हो, आज हम इंडियन एयरफोर्स की तरफ से वैकेंसी निकली है जिसमें ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई की वैकेंसी 150 निकली है, उसकी बात करेंगे। फ्रेंड वीडियो शुरू करें उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटी को जरूर दबा लीजिएगा ताकि रेगुलर बेस पर आपको जॉब की अपडेट मिल सकते। तो फ्रेंड आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है आपका 2 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है और 20 जनवरी तक आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट बढ़ाई जाएगा, ठीक है। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपका है 29 मार्च 2020 से 23 मार्च 2020 के बीच में आपको होने वाली है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन कैंडिडेट बात करें तो फ्रेंड देख लीजिए, यहाँ पे आपको ऑनलाइन एग्जाम रजिस्ट्रेशन सेल 2 जनवरी 2020 से आपको स्टार्ट होने वाला है, ठीक है फ्रेंड। आपको जो है फॉर्म फिलअप करने समय क्या 10 का मार्कशीट देना होगा, 12 का मार्कशीट देना होगा फॉर्म फिलअप करने के समय, ठीक है फ्रेंड। आगे बात करें फ्रेंड, इसमें जो है आपका इंपॉर्टेंट एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स ऑनलाइन एप्लीकेशन अनमेरिड इंडियन, तो फ्रेंड मैंने बोल दिया कि आपको अनमेरिड होना ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड। वाई के लिए और एक्स के लिए दोनों के लिए आपको अनमेरिड मतलब मेल कैंडिडेट होना जरूरी है। डेट ऑफ बर्थ की बात करें फ्रेंड, डेट ऑफ बर्थ को ध्यान से समझ लिया है, 17 जनवरी 2000 से 30 दिसंबर 2003 के बीच में आपको जन्म होना चाहिए दोनों ट्रेड के लिए, ठीक है फ्रेंड। यानी आपका 21 साल होना चाहिए, फिर समझ लीजिए 17 जनवरी 2000 से 30 दिसंबर 2003 के बीच में आपका जन्म होना जरूरी है, ठीक है फ्रेंड। इनिशियल क्वालिफिकेशन की बात करें फ्रेंड, तो एक स्टेट के लिए जो है आपका 12 पास होना चाहिए आपके मैथ पीसीएम के साथ, 50% मैक्सिमम मिनिमम होना चाहिए आपका सारे सब्जेक्ट में और इंग्लिश में खासकर आपका 50% होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। वाई टेस्ट की बात करें फ्रेंड, तो आपका जो कोई भी स्ट्रीम चलेगा, आप आर्ट्स है या साइंस है या कॉमर्स है, तो आप कोई भी टेस्ट हो और 50% आपका इंग्लिश में है तो आपको इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो वाई टेस्ट के लिए, ठीक है फ्रेंड। वाई ट्रेड में मेडिकल स्टूडेंट के लिए आपको 12 पास होना जरूरी है, फिर मैथ केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश के साथ भी 50% आपको ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड। आगे बात करें फ्रेंड, जो आगे दिया हुआ है फ्रेंड ग्रुप, ये जो वैकेंसी है बहुत ही मज़ेदार वैकेंसी है फ्रेंड, बता दिया जाए इस वैकेंसी में बहुत ही मज़ेदार वैकेंसी बोला जाए तो मेडिकल जो स्टैंडर्ड में बताया जाए तो आपका हाइट जो होना चाहिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट जो आपका होना 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए, वेट जो है आपका वेट 55 किलो आपका इनिशियल होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। और आगे बात करें फ्रेंड, तो आगे जो बताया टैटू होना नहीं चाहिए स्किन, ठीक है टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए। अलाउंस की बात करें फ्रेंड, जो पेरेंट्स मिलने वाला है 14600 पर मतलब आपका ट्रेनिंग पीरियड में मिलने वाला है एक्स और वाई एक्स स्टेट के लिए, ठीक है। आगे बात करें फ्रेंड, तो आपका जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा आपका पहला ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो आपका होने वाली है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने के बाद आपका फ्रेंड इसमें जो बता दिया गया है फ्रेंड, 10 एक्स ग्रुप एक्स के लिए आपको 60 मिनट मिलेगा, वहीं वाई के लिए 45 मिनट मिलेगा, ठीक है, जिसमें मैथ रीजनिंग रागा होना होगा, ठीक है फ्रेंड। वहीं फ्रेंड ग्रुप वाई और एक्स स्टेट की बात करें फ्रेंड, तो उसमें आपको 85 मिनट मिलेगा जिसमें मैथ मतलब रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस रागा होगा, ठीक है फ्रेंड। नेगेटिव मार्क की बात करें फ्रेंड, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिला जाएगा आपको, ठीक है। वही नेगेटिव मार्क का जो बात करें 0.25 आपका नेगेटिव में, यानी 1/4 आपका नेगेटिव मार्क होगा, ठीक है फ्रेंड। क्वालिफाइंग जो करेगा फ्रेंड, जो फर्स्ट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका क्या होगा, फर्स्ट एग्जाम क्वालिफाई करने फ्रेंड फेज टू में आपके क्या होने वाला है, जो आपको फेज पास करने का था आपका फेज टू में आपको कलर प्रिंट रेडमी कार्ड फेज का ले जाना होगा, HP पेंसिल शार्पनर ये सब आपको लेके जाना होगा, ओरिजिनल आपका ओरिजिनल जो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मेट्रिकुलेशन यानी 10 का मार्कशीट 12 का मार्कशीट जिसमें फादर नेम उसमें दिया होगा, ठीक है फ्रेंड। आगे बात करें फ्रेंड, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा एलिजिबिलिटी, तो वेरिफिकेशन में आपको वही डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किया जाएगा उसमें आप। और आगे बात करें फ्रेंड, फिजिकल टेस्ट होने वाली है उसी दिन, फिजिकल टेस्ट आपका होगा जिसमें आपका PT होगा, जिसमें आपका 6.5 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा और वहीं 10 पुशअप और 10 सीटअप और 10 स्क्वाट करना होगा, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद ये भी क्वालिफाई करने के बाद आपका जो है एबिलिटी टेस्ट 1 होगा, एक्स और वाई दोनों के लिए बता रहा हूँ मैं फ्रेंड, एबिलिटी टेस्ट 1 होगा जिसमें आपको पास करना होगा, जिसमें आपको जो है नॉर्मली एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है फ्रेंड, नॉर्मल एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होता है। अब फ्रेंड मैं बता दूँ, इसमें जो ऑब्जेक्टिव मार्क होगा आप सारा क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिएगा, बता रहा हूँ फ्रेंड, सारा क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड। और आगे बात करें मेडिकल टेस्ट, मेडिकल जो है मेडिकल में आप
मेड सॉरी, ये आपका फिर जो होगा सेकेंड एबिलिटी टेस्ट में आपका क्या होगा, एक मतलब एक ग्रुप डिस्कशन होगा जिसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। ग्रुप डिस्कशन जो है उसमें आपको इंग्लिश बोलना होता है, ठीक है फ्रेंड। फेज थ्री में आपको क्या है, मेडिकल टेस्ट, मेडिकल सेंटर में जाकर मेडिकल टेस्ट देना होता है। मेडिकल टेस्ट देने के बाद आपको और कुछ तो है नहीं फ्रेंड, मेडिकल टेस्ट देने के बाद आपका प्रोविजनल लिस्ट आता है, ठीक है फ्रेंड। मेडिकल टेस्ट देने के बाद आपको प्रोविजनल सेलेक्टेड यानी PSL लिस्ट आता है, यानी प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट आता है जो आपका 31 अक्टूबर को आ जाएगा, ठीक है। 31 अगर सेलेक्ट होता है तो आप सेलेक्ट होते हो तो आपको 31 अक्टूबर 2020 को PSL आ जाएगा। उसमें अगर PSL में आपका नाम आ गया तो आपका 80 से 90% आपका सिलेक्शन होने का चांस है, ठीक है फ्रेंड। और आपका जो लिस्ट और इनरोलमेंट लिस्ट जो आपका 10 दिसंबर को लेटर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। 10 दिसंबर से पहले ही आ जाता है को लेटर, ठीक है फ्रेंड। फ्रेंड आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चलो बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।